अरे देखिए, कहीं आपकी गाड़ी का शीशा भी टूटा हुआ तो नहीं है? जरा देखिए, कहीं गाड़ी पर गंदगी तो नहीं हो रही है? चेक कर लिया ना आपने? अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक वजह है, और वो वजह आपकी जेब ढीली करवा सकती है। इन बातों से आप कुछ तो समझ ही गए होंगे कि हम मोटर व्हीकल एक्ट की बात कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से कारण हैं जो आप नहीं जानते हैं, जिनकी वजह से आपकी कार का या गाड़ी का चालान कट सकता है। और अपने इस वीडियो में हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि किन वजहों से आपका चालान कट सकता है। अगर आपने अपनी गाड़ी पर कोई जाति सूचक वर्ड लिखवा रखा है तो आपका चालान कटना तय है। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने मोटर व्हीकल एक्ट की आर्टिकल 117 में कुछ बदलाव भी किए हैं, और अब जिन अपराधों की जानकारी नहीं थी उन अपराधों के लिए इसी तरह के चालान काटे जाएंगे। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान की राशि बढ़ाई गई है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह सीआरपीसी के अनुच्छेद 151 के तहत कानून व्यवस्था से लेकर मारपीट और शांति भंग करने वालों को इस तरह पाबंद किया जाता है, उसी तरह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब अनुच्छेद 117 से वाहनों को कमियां मिलने पर कब्जे में लिया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट के नियम सिर्फ आपको सुरक्षित रखने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि इन्हें इसलिए बनाया गया है ताकि आपके साथ साथ आपके आसपास के लोग भी सेफ रह सके। जैसे कि अगर कार का कांच टूटा हुआ है तो आपके साथ ये किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह दूसरी तरह से कई ऐसे अपराध हैं जिनसे अन्य व्यक्तियों को भी नुकसान हो सकता है। इसी तरह मोटर व्हीकल एक्ट में कई तरह के बदलाव किए गए हैं और नए नियम जोड़े गए हैं, जिनका पालन कर आप भी चालान से बच सकते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।